बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आरिफ सुन, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरिफ दुल्लू क्रिकेट। आई सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर और शर्जील खान की वापसी के हवाले से। बड़ा बयान आया रमीज राजा का, और इसके बाद बात करेंगे इफ्तखार अहमद ने इस बार T10 लीग में धूम मचाई हुई, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, तो इस पर तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन माना माल बोलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर के वाले से। जैसा कि आपको पता है, जब मैच फिक्सिंग में मोहम्मद आमिर को सजा आई थी 2010 में, उसके बाद मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया था पाकिस्तान टीम में 2016 में। लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप खेला 2019 का, और उसके बाद मोहम्मद आमिर के इख्तलाफात हो गए थे वकार यूनस और मिसबा से, और मोहम्मद आमिर ने कहा था कि जब तक ये मैनेजमेंट है तो मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन अब मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, और साथ में शर्जील खान 2016 में वो भी मैच फिक्सिंग में पाए गए थे, लेकिन उसके बाद शर्जील खान दोबारा टीम में वापस आए, और आप दोनों जो इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है। हालांकि जो मोहम्मद आमिर वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन शर्जील खान अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुए। तो इस हवाले से आप जो रमीज राजा उन्होंने बयान दिया कि अगर दोनों खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो उनको ज़रूर टीम में मौका दिया जाएगा। तो ये सहाफ़ी ने एक सवाल किया था, तो फिर रमीज राजा ने आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो PSL है वो दोनों खिलाड़ियों के अच्छा मौका। इसके बाद बात करते हैं इफ्तखार अहमद के हवाले से। इफ्तखार अहमद ने इस 10 लीग है उसमें धूम मचाई हुई है, और इस पर अगर बात करें इफ्तखार ने इस वक्त 5 मैच खेले हैं, और 5 मैच खेलकर मजबूती तौर पर 191 रन स्कोर किए हैं इफ्तखार ने, और एक मैच में तो 20 बालों पर 49 बनाए थे, और एक मैच में 30 बालों पर 83 रन स्कोर किए थे। इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड ओपनिंग जोड़ी के हवाले से। जैसा कि कल टेस्ट मैच खेला गया था, और ओपनिंग जो जोड़ी थी इंग्लैंड की उन्होंने 233 रन बनाए थे 233, और जिसमें जैक कराले ने 122 की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, और छः बार्स बाद कम बैक करने वाले जो बेन डकट थे उन्होंने भी 107 रन की इनिंग खेली थी। और इस तरह इंग्लैंड की जो ओपनिंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 233 रन स्कोर कर किए, और ये किसी भी इंग्लैंड जो ओपनिंग जोड़ी है उसका ये पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड है। इससे पहले ओपनिंग जोड़ी का जो रिकॉर्ड था वो इंडिया के पास था, जिन्होंने 2007 में तकरीबन 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए थे, जिसमें वीरेंद्र सहवाग और तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड कायम किया था। और ये आज की ताज़ा अपडेट थी, और मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।